जय हिंद साथियों, मैं प्रभास कुमार जी आप सबका झा मैथ्स मैजिक पर स्वागत करता हूँ। आज हम आपको पूरे डिटेल में एक बार पुनः टोलराज सेवक के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसका फॉर्म जो है फिलअप शुरू हो जाएगा 19 अगस्त से। तो फॉर्म फिलअप 19 अगस्त से शुरू हो जाएगा। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो मैसेज करके पूछ रहे थे कि फॉर्म कैसे फिलअप होगा, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है, आगे का क्या प्रक्रिया है, पूरा डिटेल में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिएगा, हम आपको हेल्प करेंगे। फॉर्म फिलअप से लेकर सिलेक्शन तक में हम आपको हेल्प करेंगे। इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम पूरे प्रोसेस में आपके साथ रहेंगे टिल सिलेक्शन तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है इस पूरे वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जिला स्तर पर जो ये शिक्षा सेवक तालीम मरकज टोटल 2578 जो इसका वैकेंसी है, जिला वाइज जो है ना पोस्ट का, जो अभी तुरंत कहा जाता है ना क्विक जो बहाली होने वाला है, वो पोस्ट की संख्या जिला वाइज दे चुका है, ठीक है। और जो कितना आगे किया जा सकता है उसका भी संख्या आ चुका है, तो हम आपको वो पूरा बताएंगे। कुछ का हम बता देते हैं, बाकी आप अपने डिस्ट्रिक्ट का हमसे आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके, हम आपको पूरा बता देंगे, ठीक है। जैसे अगर हम देखते हैं पटना में, अगर हम पटना की बात करें, राजधानी की बात करें, तो इसमें 64 का तो क्विक सिलेक्शन होना ही है अभी, लेकिन जो निर्धारित है वो 343 सिलेक्शन है। पटना में 64 का तो होना ही है अभी, इस प्रोसेस में 64 का होना ही है, लेकिन निर्धारित किया गया है 343 का। तो हो सकता है कि 343 का भी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन 64 पोस्ट पूरा का पूरा खाली चल रहा है, ठीक है। अगर हम भोजपुर की बात कर ले तो 74 पोस्ट पूरा का पूरा खाली चल रहा है, लेकिन टोटल निर्धारित 382 है। सेम उसी प्रकार रोहतास का देखिए, 41 सीट अभी खाली चल रहा है, जिसका अभी बहाली होने वाला ही है, लेकिन 307 पोस्ट जो है पे किया जा सकता है। नालंदा का 54 है, टोटल 128 सब पे करेगा। मुंगेर 46 है, 65 पे, ठीक है ना। जमुई 78 है और 123 पे। गया 79 है, 292 पे। मधेपुरा 161 है और 159 के अनुमान आगे लगाया जाता है। तो ये तो हम कुछ इस डिस्ट्रिक्ट का आपको बता दिए। अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप उस डिस्ट्रिक्ट का अगर हम नाम नहीं लिए, डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपको कमेंट में आंसर दे देंगे। हो सकता है कि आंसर देने में थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन आपको आंसर मिल जाएगा। तो किस डिस्ट्रिक्ट में कितना है वो पूरा का पूरा। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप इसका फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो सबसे पहले कुछ बातें हैं उस पर ध्यान रखिए। क्या क्या रखना है आपको, ठीक है ना। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, बैंक खाता भी आपको रखना है, ठीक है ना। इसके बाद शैक्षणिक दस्तावेज, जो शैक्षणिक दस्तावेज है 10th तक, क्योंकि 10th तक पे ही है, तो 10th 12th जो भी है आपके पास, उसका क्या करिएगा, जेरोक्स करवा लीजिएगा। दो पासपोर्ट साइज, दो क्या बोलते हैं, जेरोक्स करा के रख लीजिएगा, छायाप्रति, ठीक है। इसके बाद आय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए भाई जिसपे मैसेज कॉल ये सब आपको मिल सके। इसके बाद फोटो, ये आपके कुछ मुख्य दस्तावेज हैं जो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप जो होगा इसका भी ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप ऑफलाइन किया जाएगा, कैसे होगा हम पूरा आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो इस नोटिस में आया है उसको थोड़ा सा हम पढ़ के जो है ना आपको समझा देते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पे आएगा, ठीक है, आप उसको ध्यान से देखिएगा, बाकी कहिएगा तो हम आपको कम्युनिटी पेज पे भी इसको लगा देंगे, ठीक है। क्या है इस पूरे नोटिस को ध्यान से देखते हैं। देखिए सर, नोटिस में साफ जो है, के पाठक अपार मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, के पाठक पे हमने एक वीडियो भी बनाया था, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। बहुत ही क्विक एक्शन लेने वाले अधिकारी हैं और एक्शन मोड में है अभी शिक्षा में, ठीक है ना। उनके कारण ही ये जो बहाली है ना क्विक होने जा रहा है, ठीक है। तो के पाठक अपर मुख्य शिक्षा सचिव है शिक्षा विभाग बिहार पटना का, तो सेवा में सभी जिला पदाधिकारियों को दे दिया है नोटिस, ठीक है ना। राज्य स्कीम अंतर्गत महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर अंचल योजना के तहत शिक्षा सेवक जिसको तालीमी मरकज के नाम से भी जाना जाता है, उसके संबंध में वो बता रहे हैं, ठीक है। क्या है देखिए, ये जो है ना पूरा का पूरा बताया गया है, ठीक है ना। इसमें साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया है, ठीक है, कि जिला स्तर पे शिक्षा सेवक या तालीम मरकज की रिक्तियां से संबंधित जिलावर विवरण संलग्न करने हेतु कहना है, ठीक है ना। उन्होंने बता दिया है सबको कि इस जिला में इतना है, इस जिला में इतना पोस्ट है, जिसमें अगर हम आपको बता देंगे, जो भी पूछना हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उन्होंने महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर अंचल योजना, जिसको अक्षर अंचल योजना भी कहा जाता है, के तहत तालीम मरकज के रिक्त पदों पर चयन करने के संबंध में ये पूरा नोटिस जो है ना उनके द्वारा भेजा गया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया है, ठीक है। अब देखते हैं कब क्या होने वाला है, इसमें तो बहुत सारा लिखा हुआ है, ठीक है, नोटिस लगा देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो देखिए,
इसमें जो है ना आज 19 अगस्त 14 अगस्त जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि 14 अगस्त में समिति का गठन होगा, तो 14 अगस्त तो बीत चुका है। इसमें संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में नियोजन हेतु समिति का गठन जो कि 14 अगस्त को हो चुका है, ठीक है ना। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इसकी जिम्मेवारी लेंगे, जो प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी होते हैं उनके जिम्मेवारी में 14 अगस्त को वार्ड वाइज ठीक है ना सदस्यों का गठन हो चुका है, ठीक है। अब आगे क्या है, 19 अगस्त से जो है ना इसका विज्ञापन एडवर्टीजमेंट जो है हर एक पंचायत में 19 अगस्त को नियोजन हेतु एनआईसी के वेबसाइट तथा प्रखंड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस सूचना के द्वारा प्रकाशन किया जाएगा। अब यहां देख लीजिए 19 अगस्त से जो है ना नोटिस चालू हो जाएगा, मतलब आपको हर एक पंचायत में, या तो आप इसके वेबसाइट पे जाइए नियोजन हेतु एनआईसी के वेबसाइट पे तथा प्रखंड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस सूचना द्वारा प्रकाशन किया जाएगा। तो एनआईसी के वेबसाइट पे कैसे जाइएगा, इस पे जो है ना आपको हम स्क्रीन पे देखे हम बता देंगे आपको। एनआईसी पे www.nic.com करके खोलिएगा, ये मिल जाएगा आपको। अगर ये नहीं मिलता है तो दिक्कत नहीं है, आप प्रखंड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर ये नोटिस आपको दिया जाएगा, ठीक है ना, आप वहां विजिट कर सकते हैं। अब 19 अगस्त को तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। और इसका जिम्मेवारी कौन ले रहा है, तो इसका जिम्मेवारी ले रहा है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, ठीक है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो साक्षरता के हैं, ठीक है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधान अध्यापक, एवं जो विद्यालय में चिन्हित किया गया है कि भैया यहाँ पे जो है ना मतलब ये इसका वैकेंसी है, यहाँ पे अल्पसंख्यक लोगों को पढ़ाना है, उनके जो प्रधान अध्यापक है उस जगह के उसको जिम्मेवारी दिया है, ठीक है, तो आप उनसे भी मिल सकते हैं। तो ये आपको हो गया 19 सितंबर को ये होने वाला है, मतलब पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको 19 सितंबर को मिल जाएगा। इसके बाद देखिए 19 सितंबर के बाद 23 सितंबर को जो है ना अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन, उन्नीस अगस्त को जो है आपको ये नोटिस मिल जाएगा। अब देखिए ये जो है ना 19 अगस्त से 4 अगस्त तक, ठीक है ना, फॉर्म फिलअप किया जाएगा, और इसमें समिति के सदस्य संयोजक चिन्हित विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा नियोजन हेतु आवेदन प्राप्त करना, तिथि व पंजी में साधारण एवं आवेदक को प्राप्ति रसीद देना, पंजी के पृष्ठान का सत्यापन प्रखंड जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। मतलब जो आप इसका फॉर्म फिलअप करिएगा, ठीक है ना, उस फॉर्म फिलअप में जो भी चीज आप दीजिएगा उसका सत्यापन जो है ना वो लोग करेंगे। तो मतलब 19 से 4 सितंबर तक जो है, ठीक है ना, 19 से 4 सितंबर तक टोटल फॉर्म फिलअप किया जाएगा। फॉर्म फिलअप के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको जो है ना प्रखंड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस मिलेगा, फॉर्म आप वहां से भी ले सकते हैं या एनआईसी के, ठीक है ना, एनआईसी के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग कहते हैं तो हम इसका डाउनलोड करके हम जो है ना कम्युनिटी पेज पे लगा देंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया फॉर्म फिलअप, मतलब इसका ऑनलाइन नहीं होने जा रहा है, ऑफलाइन ही होने जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, ऑफलाइन ही हो रहा है इसका फॉर्म फिलअप, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना, इसके बाद जो इसमें दिया हुआ है ये तो आपका हो गया कब तक, 4 तक। तो 4 तक फॉर्म सबका फिलअप हो जाएगा। 4 तारीख के बाद जो है, ठीक है ना, 9 सितंबर को मेगा अंक की गणना किया जाएगा। 9 सितंबर को, ठीक है ना, मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा जिसमें जो है ना नियोजन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन के मेगा अंक की गणना कर जिला के वेबसाइट प्रखंड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशित करना है। मतलब हर एक जिला, जिस जिला से आप फॉर्म भरिएगा उसके वेबसाइट पे होगा, और प्रखंड के जो है, ठीक है ना, वेबसाइट प्रखंड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशित उसको करना है, ठीक है। तो प्रखंड और पंचायत के सार्वजनिक स्थल का मतलब समझ ही रहे हैं, ठीक है ना, वहां पे उसको प्रकाशित करना है। ये 9 सितंबर को ये हो जाएगा, ठीक है। इसके जिम्मेवारी कौन लेंगे, तो जिम्मेवारी लेंगे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चिन्हित विद्यालय के प्रधान अध्यापक, उनके पास ही ये जिम्मेदारी होगा। इसके बाद देखिए 16 सितंबर को क्या होगा, मेगा सूची में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एक सप्ताह के अंदर आपत्ति प्राप्त करना और आपत्तिकर्ता को प्राप्ति रसीद देना, आपत्ति का तिथिवर पंजी में साधारण। मतलब किसी को प्रॉब्लम, किसी को डाउट है उस मेगा सूची में कि नहीं मेरा नाम होना चाहिए, ठीक है, उनका नाम नहीं होना चाहिए, तो वो आपत्ति कर सकते हैं, उसको सुधारा जा सकता है। ये आपका टोटल जो है ना 19 सितंबर तक हो जाएगा, ठीक है। 23 सितंबर को जो है समिति द्वारा
समिति द्वारा जो है ना अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जो कि वेबसाइट पे ठीक है ना रहेगा, और यहाँ पे आपको प्रखंड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पे रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 12 अक्टूबर को मेगा सूची का अनुमोदन किया जाएगा, मतलब मेगा सूची का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा 15 दिनों के अंदर अनुमोदन पे नियोजन पत्र संबंधित नियोजन इकाई 10 सचिव को उपलब्ध कराना होगा। ठीक है ना, मतलब वो नियोजन पत्र के बारे में बता दिया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं प्रशिक्षण संबंधित सूचना, वो 16 अक्टूबर को मिलेगा। मतलब इसके बाद जैसे ही आपका नियोजन में आ जाता है ना, मेगा सूची में नाम आ जाता है, तो आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो उस ट्रेनिंग के लिए आपको 16 अक्टूबर तक जो है ना वेट करना पड़ेगा। इसके बाद 26 अक्टूबर तक प्रशिक्षण एवं नियोजन पत्र वितरण हो जाएगा। मतलब आपको जो है ना 26 अक्टूबर तक आपको जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसका सर्टिफिकेट और नियोजन पत्र आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, अब 31 अक्टूबर तक निदेशालय को सूचना, चयनित शिक्षक सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के सूची का जन शिक्षा निदेशालय में प्रेषण कर दिया जाएगा। मतलब क्या, 31 अक्टूबर तक, मतलब ये पूरा प्रक्रिया अगर आप देखिएगा, ये पूरा प्रक्रिया आप देखिएगा तो 31 अक्टूबर तक चलेगा। ये पूरा का पूरा प्रक्रिया कब तक चलेगा, 31 अक्टूबर तक। मतलब आप देख लीजिए 19 अगस्त से ठीक है ना 31 अक्टूबर तक में आप सबका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है ना, और आप मिठाई खाइएगा। ठीक है, तो 100% आपका ज्वाइनिंग होगा। आपको जैसे जितना हम बताए हैं उस चीज को आपको फॉलो करना है। पहले ये जो डॉक्यूमेंट है ये चीज आप अपना बढ़िया कर लीजिए, क्योंकि 19 से स्टार्ट हो जाएगा और 4 तक चलेगा। तो घबराना नहीं है, जल्दी नहीं करना है कि जल्दी जल्दी में ये गड़बड़ मत कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट अपना बढ़िया रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कितने लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में गलत डॉक्यूमेंट दे देते हैं, गलत फॉर्म फिलअप कर देते हैं, जिसके कारण उनको दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट जो है ना ये सब बढ़िया कर लीजिए और आराम से 19 को, जरूरी नहीं कि 19 को ही करें, 20 21 मतलब 4 से पहले आपको कर लेना है। जल्दीबाजी का काम किया हुआ बहुत ही खराब हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के पता चलेगा कि आपका मेगा सूची में नाम नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको हटा दिया गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि मेगा सूची में नाम आ जाता है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ठीक है ना, तो वहां पे दिक्कत आता है। तो अपना मोबाइल नंबर वैसा ही दीजिएगा जो रनिंग है, जो चल रहा है, ऐसा नहीं कि चेंज हो गया, कुछ भी हो गया, ये मत दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जाति, निवास, आय ठीक है ना, और ये शैक्षणिक दस्तावेज का जो है छाया प्रति ठीक है ना वो देना पड़ेगा आपको। बैंक खाता भी वैसा दीजिएगा जिसमें अकाउंट में पैसा आएगा, क्योंकि बैंक में ही पैसा जाएगा। आधार कार्ड ठीक है ना, ये डॉक्यूमेंट आपको बढ़िया रख लेना है। इसके बाद जिस जिला से आप हैं ठीक है ना, उस जिला में कितना सीट है, कितने सीट पे अभी वैकेंसी आएगा, इसकी जानकारी के लिए आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने कुछ का बताया है लेकिन जिला तो ज्यादा है ठीक है ना, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको इस वेबसाइट पे जाने में दिक्कत होता है NIC में ठीक है ना, तो हम इस पे जाके फॉर्म का जो है ना पूरा ये डाउनलोड करके हम लगा देंगे सर। आप मेरे चैनल पे विजिट करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाय द वे आपको जो है ना पंचायत के सार्वजनिक स्थल पे इसका नोटिस मिल जाएगा ठीक है ना। अगर नहीं मिल रहा है तो आप जो है ना पंचायत से जाके बात करिए, मुखिया जी जो भी है वहां से, या प्रखंड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल का टोटल अगर देखो 2578 सीट है ठीक है ना। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि KK पाठक साहब बहुत ही क्विक है, बहुत ही मतलब एक्टिव है, बहुत ही जो है ना कह सकते हैं कि मतलब एक्शन लेने वाले ऑफिसर हैं, और इन पे हमने एक वीडियो भी बनाया था, क्योंकि हमको लगा कि भैया ऐसे ही ऑफिसर होना चाहिए जो क्विक एक्शन ले, जो जनता के लिए काम करे। आप जरूर मेरे चैनल पे अगर आए हैं तो उस वीडियो के जाके देखिएगा और मेरे को मोटिवेट करिएगा कि ऐसे ऐसे ऑफिसरों के लिए हम जरूर बनाए, क्योंकि ये ऑफिसर जो है ना कॉमन लोगों के लिए काम करता है, और इनको इनके लिए अगर हम वीडियो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर वो वीडियो ज्यादा लोग देखते हैं, अगर इनके पास जाता है तो इनको ही होता है कि नहीं है हम जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए बड़े बड़े नेता ठीक है ना, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग उनसे तो डरते ही हैं, उनको तो गाली देंगे ही, लेकिन जो काम जनता के लिए किया जाता है वो बढ़िया होता है। चलिए, तो आपको बताना है इस चैनल पे, आप अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा ठीक है ना, कॉमेंट करके अपने क्वेरी को पूछिएगा, और नेक्स्ट अगर कोई भी दिक्कत हो तो उस पर वीडियो हम बहुत जल्द बनाएंगे, आप सभी के लिए बनाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। टिल सिलेक्शन में जो भी दिक्कत होगा, चाहे अगर आप एक ही लोग हैं, अगर हमको लगे कि आपको दिक्कत हो रहा है तो हम आपके लिए जरूर वीडियो बनाएंगे और आपको हेल्प करेंगे जहां तक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जामएस मैजिक, थैंक यू।